हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो हम करने वाले हैं नीलिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के। ठीक है, तो ऑलरेडी एप्टीट्यूड क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इस वीडियो में करेंगे हम मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो ये 2016 का पेपर है। अब पैटर्न तो हो सकता है काफी अलग हो क्योंकि उन्होंने अभी तक डिफाइन नहीं किया कि पैटर्न वगैरह क्या हुआ। ठीक है, तो फिर भी क्वेश्चन देख लो, कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि लेट आर वन एंड आर टू बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, के इज रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, तो देखो कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसमें जो इसके रूट्स सपोज करो आर वन आर टू है, तो वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास आ गया कि आर वन प्लस आर टू जो होगा, ठीक है, माइनस आर वन प्लस आर टू जो होगा वो माइनस के इक्वल होगा, मतलब आर वन आर टू के इक्वल है प्लस आर टू, और आर वन आर टू किसके इक्वल आ जाएगा, वो आएगा के माइनस वन। ठीक है, और मुझे चाहिए आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू। ठीक है, तो आर वन प्लस आर टू है के, तो के स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू, टू के माइनस वन, मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, मिनिमम करनी है। ठीक है, तो कोई फंक्शन हो जाएगा के का, ए तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू। ठीक है, यही आएगा। अब देख लो इसकी वैल्यू मिनिमम कब है, k की वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर अपना जो मिनिमम मैक्सिमम वाला कंडीशन लगा लो, इसका डिफरेंशिएट कर दो इसको k से, तो 2k माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा या मिनिमम वाला पॉइंट आएगा। इसका डबल डेरिवेटिव करके देख लो, ठीक है, डी के स्क्वायर वो आएगा 2, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मिनिमा आएगा इसमें। ठीक है, तो मिनिमम कब है, जब k की वैल्यू 1 है। ठीक है, पुट करके देख लो, वैसे भी k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो k की वैल्यू 1 पुट करूंगा इसकी वैल्यू आएगी 1, k की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2, k की वैल्यू माइनस 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 माइनस 1 2 5 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं माइनस 2 पुट करूंगा तो 2 2 4 2 6 10 आ जाएगी। ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्व हैज इक्वेशन, एक कर्व हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x, द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट p इज 4। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ p, अब देखो क्या होता है, इसका ग्रेडियंट जो आएगा इसका आएगा dy/dx, ये इसका ग्रेडियंट आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दो 4x माइनस 8, जो किसके इक्वल है, वो 4 के इक्वल है, तो यहाँ से 4x जो आ जाएगा 12, तो x जो आ जाएगा 3, मतलब जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट, P पॉइंट हुआ कुछ xy जो इस कर्व पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया 3। ठीक है, तो y कैसे आ जाएगा, बट यहाँ इसमें पुट कर दो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x, तो 3 इंटू 3 9 2 18 माइनस 24 तो आ जाएगा माइनस 6, तो पॉइंट P क्या आ जाएगा 3 कोमा माइनस 6। 16 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कर दो 2x प्लस 3 cos x, देखो 2x का क्या आएगा, x का आता है x स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 कैंसिल तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी गलत। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो 3 तो रहेगा ही, तो देखो sin x है तो ये गलत, cos का आएगा प्लस sin x तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है इसलिए ये गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स x। ठीक है, x मैट्रिक्स फाइंड करनी है हमें, तो एक काम करते हैं, x मैट्रिक्स को a b c d मान लेते हैं ना, सपोज कर लेते हैं कुछ,
0 2 2 0 A B C, ये मेरी एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, जो इक्वल आती है 1 2 3 4 के, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे तो ये आ जाएगा 2C, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 2D, ठीक है, 2 इसको ऐसे करूंगा तो 2A और 2B, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से A देखो 2A 3 के इक्वल है, तो A 1/3 आ जाएगा, सॉरी 3/2, 2A इक्वल टू 3 के, तो 3/2 आ जाएगा, 3/2, बस यही ऑप्शन है। और चेक कर लो 2B है 4 के इक्वल, B 2 के इक्वल आ जाएगा, यस। 2C 1 के इक्वल है तो C आ जाएगा 1/2, सही है। 2D 2 के इक्वल है तो D आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। 18th क्वेश्चन है, इफ T इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग ऑफ वेक्टर 001 010 110 इनटू वेक्टर 001 -1 -1 1 2 2 1, देन इमेज ऑफ वेक्टर 3 4 5। अच्छा तो देखो ट्रांसफॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर मैं, मुझे सपोज करो वेक्टर ए है कोई, ठीक है, ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है, ठीक है, तो मुझे एक कोई नया वेक्टर बनाना है डी, जो कि आएगा ए कोई कॉन्स्टेंट होगा प्लस बी कोई कॉन्स्टेंट प्लस सी कोई कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोई वेक्टर बनाया मैंने सबको लीनियर सम करके। तो अगर मुझे इसका डी का मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो डी को मैं लिख सकता हूँ ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटू टी ऑफ ए प्लस बी ऑफ टी इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर बी सी इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो 001 का ट्रांसफॉर्मेशन ये है, इसका ये है, इसका ये है, मुझे इसका फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ पे ए क्या है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है, वो ये डी वेक्टर है। तो जो डी वेक्टर बना है मेरा वो कैसे बना है, अब देखो मेरा डी वेक्टर बना है, देखो 5 ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 4 इंटू बी वेक्टर प्लस 3 इंटू सी वेक्टर, ठीक है, अगर मैं इसको ए इसको बी इसको सी मान लो, ठीक है। अब मुझे अगर डी का मुझे वो चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस 5 ए का ट्रांसफॉर्मेशन, 4 बी का प्लस 3 सी का, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा। अब देखो ए का ट्रांसफॉर्मेशन तो यही है, मतलब 5 × 0, 0, 1 प्लस 4, बी का क्या है -1 -1 1 -1 -1 1 प्लस 3, सी का क्या है 2 2 1, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो 5 × 0 प्लस 4 × -1 प्लस 3 × 2 -2 प्लस 6, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 5 × 0, 4 × -1 -4, 3 × 2 प्लस 6, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 5 × 1 5, 4 × 1 4, 5 + 4 9 प्लस 3, 5 + 4 9 प्लस 3 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, सॉरी इमेज, ठीक है, तो ऑप्शन डी। 19th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस y is equal to x, y is equal to minus x and y is equal to 6, ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं, यहां पर इसको मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय लाइंस, अब मुझे लाइंस बनानी है, देखो सबसे पहले हो गया y is equal to x line कैसे बनेगी, तो ऐसी बन जाएगी, ठीक है, x is equal to y, उसी तरह y is equal to minus x line मेरी ये बनेगी, ठीक है, और y is equal to 6 ये वाली, ठीक है, तो ये है 6, तो अगर y is equal to 6 है तो यहाँ पे कट किस पे करेगी, 6, 6, है ना, क्योंकि इस लाइन पे x is equal to y है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -6, ठीक है,
और ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस देखो क्या है, बेस ये है, ये -6 से +6 12 हो जाएगा, हाइट इसकी ये होगी, ये वाली पूरी, तो ये 6 है, तो ये 6 6 कैंसिल, 12 से 6 कैंसिल, 6 इंटू 6 36। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट -1.3 एंड परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन। अच्छा देखो, सपोज करो कि AX+BY+CZ+D वो प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और दो प्लेन जो है उनके परपेंडिकुलर है। एक तो क्या होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अगर इसको मैं पॉइंट पुट करता हूँ तो ये जीरो आ जाना चाहिए इसे। तो वो अगर चेक करोगे तो ए के ऑप्शन में आएगा। देखो ऑप्शन ए में पुट करो -1 3 2, तो -7 -8 24 +6 +25, ठीक है, तो ये जीरो के कुल आ जाएगा 27 और 7 31 6 और 25 31। ठीक है, दूसरे में देखो -7 +24 +6 +25, ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब ये पॉइंट इस पे प्लेन अप्लाई नहीं करता है। इसमें -7 -24 +6 -25, तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। उसी तरह बाकी प्लेन जो है, इसका इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा X+2Y+3, इसका आ जाएगा आई कैप प्लस 2J कैप+3K कैप। ठीक है, और इसका आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। ठीक है, तो अगर कोई प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के नॉर्मल जो होंगे प्लेन्स के, वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा और इसके साथ जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा दोनों का, तो क्या आएगा, ए आई कैप ए +2B+3C ये इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेना, कर सकते हो। और इन दोनों का करूंगा तो आ जाएगा 3A+3B+C इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो वैसा कर सकते हो, बट हमारा जो सवाल हो रहा है वो एक सिर्फ पॉइंट से हो जा रहा है। ठीक है, इतना तामझाम नहीं करना है। 21st क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x³ -8। हियर आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट f। ठीक है, तो डेरिवेटिव बोला ना फंक्शन का, तो आई थिंक कोई फंक्शन होगा gx जिसका डेरिवेटिव है ये। ठीक है, डेरिवेटिव ये है ये। हेयर आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट f। अभी वही प्रॉब्लम है, अभी इन्होंने पूछा है f के बारे में पूछा है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि डेरिवेटिव दिया, हमें सिर्फ इस फंक्शन के बारे में पूछा है। डेरिवेटिव fx है, तो देखो थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज। तो ये फंक्शन है, ठीक है, अब मुझे इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, स्टेशनरी। अब देखो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो आएगा 3x² इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव चेक करो। अब इन्होंने बोला कि f इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1। अगर f जो इंक्रीजिंग है x इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो f-1 क्या है, f-1 जो है वो 3x² यानी कि 3 है, पॉजिटिव है, तो इस पे ये इंक्रीजिंग आएगा, तो ये सही है। ठीक है, और स्टेशनरी एट x इज इक्वल टू 2, तो देखो इसका डबल डायरेक्टिव जो है वो आएगा 6x, और x इज इक्वल टू 0 जो अपना पॉइंट था, सैडल पॉइंट जिसपे मैक्सिमा मिनिमा या फिर स्टेशनरी पॉइंट, x इज इक्वल टू स्टेशनरी, अच्छा स्टेशनरी पॉइंट, बस स्टेशनरी पॉइंट तो x इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है,
तो टू नहीं है तो बी होना चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बोले कि एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ओनली ये है तो दिक्कत है। ठीक है, इसको देख लेना, मेरे हिसाब से तो इसको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे डेरिवेटिव का। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो इन तीनों में से किसी एक स्टूडेंट ने सोल्व किया, या फिर दो ने सोल्व कर दिया, तीसरे से नहीं हुई, या फिर तीनों ने सोल्व कर दिया। तो इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा कि ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है, क्योंकि अगर मुझे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी मुझे अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। सॉल्व ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, मतलब केस एक ही है कि तीनों से सॉल्व नहीं हुआ, तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस नॉट सॉल्व, है ना। तो नॉट सॉल्व मतलब ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ना सॉल्व होने की 1 माइनस 0.5 1/2। दूसरा है बी, बी वन की प्रोबेबिलिटी है सोल्व करने की 1/3, नहीं सोल्व करने की हो जाएगी 1 माइनस 1/3 2/3, और इसकी सोल्व करने की है 0.25 यानी कि 1/4, ना सोल्व करने की होगी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, तो 1 माइनस ये कैंसल, 1 माइनस 1/4 तो 3/4 आ जाएगा, मीन्स ए। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो तीन इक्वेशन हमारे पास, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 7, 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 2y माइनस 3z। ठीक है, अब इसमें देखो जो पॉइंट्स है ना हमारे थोड़ा रेशो में दिए हुए, अगर डायरेक्ट पॉइंट दिए हो इंटीजर तो पुट करके देख लो। तो अभी इसमें सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसमें देखो अगर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन को अगर मैं प्लस कर दूं, देखो यहाँ पे माइनस टू वाई है, यहाँ प्लस टू वाई है, यहाँ प्लस थ्री जेड है, यहाँ माइनस थ्री जेड है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा 5x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए गया, सी गया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं मुझे x पता है, अगर मैं सेकेंड थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर दूं, सॉरी प्लस कर दूं 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और थर्ड के साथ प्लस कर दूं, ठीक है, तो 3 इंटू 2 6x प्लस 4x 10x, 2 माइनस 2y प्लस 2y 0, 4 इंटू 2 8y 8z माइनस 3z प्लस 5z, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो x जो है 7/5 है, तो 10 इंटू 7/5 प्लस 5z इज इक्वल टू 4, 2, तो 5z आ जाएगा माइनस 10, z आ जाएगा माइनस ऑफ 2, तो z माइनस 2 है। ठीक है, तो d आ जाएगा। और y की वैल्यू अगर कंफर्म करनी है किसी भी इक्वेशन में x और z की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, तो आ जाएगा। 24th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, रूट 1 माइनस कोस एक्स प्लस 1 बाय कोस एक्स। तो इसको तो बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, तो इसको या तो मैं क्या करते हैं हम 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे हट जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा डीएक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट हट के साइन एक्स आ जाएगा ओनली। ठीक है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर मैं कोस एक्स को टी पुट कर दूं तो माइनस साइन ऑफ एक्स डीएक्स डीटी के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डीटी डिवाइडेड बाय, जब 1 प्लस इसको कर दो, सॉरी डायरेक्ट कर दो, तो ना भी करो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस टी, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन टी प्लस 1। ठीक है, तो टी की वैल्यू पुट कर दो, एल एन
वन प्लस कोस एक्स। अब देखो सवाल जो है वो देखो सब एक्स बाय टू है, तो इसका मतलब देख लो तो ये आ जाएगा माइनस एल एन वन प्लस कोस एक्स किसके ऊपर आता है, कोस टू एक्स वाला फॉर्मूला आएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है। और ये जो पावर है इसको मैं देखो किसी भी सवाल में देखोगे यहाँ पे टू नहीं है ना लोग, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस कोई कांस्टेंट भी है, प्लस कांस्टेंट है तो माइनस एल एन कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस एल एन टू प्लस सी, तो ये कोई कांस्टेंट बन जाएगा ना सी, और टू ये बाहर आ जाएगा और माइनस अंदर लेके जाओगे तो मुझे कोस को इन्वर्स करना पड़ेगा, टू एल एन सेक एक्स बाय टू, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर लो इसको स्टार्टिंग में, और क्या कर सकते थे कि 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख दो, 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय टू लिख दो, दोनों को डिवाइड करके टेन स्क्वायर एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू आ जाएगा, उसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 25th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फंक्शन का लेना, माइनस थ्री से थ्री एफ एक्स जो दिया है जो माइनस थ्री से वन तक इतना फंक्शन है, वन से थ्री इतना है, तो बस इंटीग्रेशन को भी डिवाइड कर दो कि माइनस थ्री से लेके वन तक हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, थ्री एक्स प्लस टू को, ठीक है, प्लस प्लस हाँ करेंगे वन से लेके थ्री तक इंटीग्रेट करेंगे फाइव एक्स प्लस वन को, ठीक है। तो थ्री एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स प्लस टू यानी कि थ्री, और इसकी लिमिट है माइनस थ्री से वन प्लस, ये आ जाएगा फाइव एक्स प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव एक्स प्लस वन का आएगा फाइव, तो इसका लिमिट है वन से थ्री, और ये वन बाय सिक्स बाहर निकाल लेते हैं, थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर तो वन पुट करूंगा यहाँ पे तो थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव, ठीक है, माइनस, और तीन यहाँ करूंगा तीन तीन नौ माइनस नाइन प्लस टू माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन प्लस, यहाँ पे वन बाय टेन कॉमन निकाल लेते हैं तो पांच ती पंद्रह एक सोलह का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन पांच एक छ छत्तीस, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस चौबीस बाय सिक्स, ये आ जाएगा प्लस टू ट्वेंटी बाय टेन, तो ये आ जाएगा माइनस फोर प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू एटीन, ऑप्शन सी, ठीक है। 26th क्वेश्चन है an unbiased die is tossed twice for getting a 4, 5 or 6 on the first toss and 1, 2, 3 or 4 on the second toss, probability is, ठीक है, and आ गया ना, and तो पहले 4, 5, 6 आने की probability क्या है, तो तीन मेरे favorable cases हैं, ठीक है, total cases 6 होते हैं into and अब मुझे चार cases हैं मेरे favorable, 4 divided by 6 बस 3 2 2 3 1 by 3, ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। अब जैसे 27th क्वेश्चन है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसको क्या कर सकते हो, या तो अगर आपको आता है तो ठीक है सॉल्व करना, देखो पहले अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, अगर मैं ये कर दूं कि कॉलम वन में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं कि कॉलम वन माइनस कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, ठीक है, ये कर दो तो ये कर सकता हूं मैं, तो क्या आ जाएगी मेरे पास मैट्रिक्स कॉलम वन बी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस टू ए स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, देखो इस ऐसे कर लो तो ये क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, या फिर अगर इसको कॉमन निकाल लें माइनस टू ए स्क्वायर को, ये भी कर सकते हो माइनस टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे
ठीक है, इस रो में से कॉमन निकालो, माइनस टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने और यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है, इसको फर्दर अगर करना हो सोल्व, मैं क्या करूं, आर, मैं आर टू पे प्रश्न लगाता हूँ, आर टू माइनस आर वन, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा जीरो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, जीरो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आएगा वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये और आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो माइनस, सिंपल माइनस टू ए स्क्वायर तो बाहर ही है, ठीक है, अंदर वन को लेकर वन, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन है। और अगर कुछ सब नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल ए बी सी की कोई वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, अगर कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिसमें सब ऑप्शन में अलग अलग आंसर आए, जैसे अगर मैं तीनों को वन पुट करता हूँ ए बी सी को, तो इसका आंसर आएगा फोर, इसका आंसर आएगा वन 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 थ्री नाइन, इसका आएगा वन वन थ्री, इसका भी थ्री, है ना, तो ऐसा बन रहा है, तो एटलीस्ट इससे यह होगा कि दो ऑप्शन चले जाएंगे, या फिर एक काम करो वन वन टू पुट करोगे, या फिर एक को जीरो पुट कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, जीरो जीरो टू पुट, टू भी नहीं, आई थिंक जीरो वन टू, जीरो वन टू पुट करूंगा अगर मैं, तो ए का तो जीरो आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा टू प्लस वन थ्री का नाइन, ये तो नाइन आ जाएगा, इसका आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर तो फाइव आ जाएगा, इसका आ जाएगा पावर फोर, है ना, तो वन टू की पावर फोर, दो दो चार सोलह सत्रह, ठीक है, तो ये ऑप्शन है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो अपना वैल्यू पुट करो आ जाएगा आंसर। ठीक है, 28th क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस थ्री टू फाइव, ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, मोड है, अब मोड क्या है देखो, ये जो मोड है एक्स मोड एक्स माइनस थ्री, तो ये हमारा क्वेश्चन है माइनस थ्री से लेके प्लस फाइव तक मोड ऑफ एक्स थ्री dx, ठीक है, अब जो मोड थ्री है, मोड x माइनस थ्री है, ये किसके इक्वल आएगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री है फिर तो हम इसको लिख देते हैं x माइनस थ्री, अगर x की वैल्यू लेस देन थ्री है तो हम इसको लिखते हैं माइनस x माइनस थ्री, ठीक है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे माइनस थ्री से थ्री, थ्री वाला पॉइंट वो आ जाएगा, ये देखो माइनस थ्री से लेके थ्री तक अगर x की वैल्यू माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में है, तो ये इसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स माइनस थ्री से डी एक्स, उसी तरह अगर एक्स की वैल्यू थ्री से फाइव है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है, तो माइनस इसको सॉल्व कर लो बस, ये एक्स माइनस थ्री का आ जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, लिमिट आ जाएगी इसकी माइनस थ्री से प्लस थ्री, उसी तरह एक्स प्लस थ्री सॉरी एक्स एक्स माइनस थ्री x माइनस थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, लिमिट आ जाएगी थ्री से फाइव, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, अपर लिमिट थ्री पुट करूंगा, थ्री माइनस थ्री जीरो जीरो, माइनस माइनस थ्री पुट करूंगा, माइनस थ्री माइनस सिक्स का स्क्वायर, माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स डिवाइड बाय टू एटीन, प्लस फाइव माइनस थ्री टू का स्क्वायर फोर डिवाइड बाय टू टू, थ्री माइनस थ्री जीरो, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20, ठीक है, प्लस 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट 3, 0, 1, 0, 1, -2, 3, -2 आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, तो बस इसको ग्राफ पे देख लो थोड़ा सा बना के, क्योंकि पॉइंट्स थोड़े अच्छे दिए मैंने। पहला पॉइंट है 3,0, 3,0 यहाँ पे हो जाएगा, सपोज करो 1,0 ये ले लो, 1,-2 यहाँ पे ले लो, 3,-2 यहाँ पे, तो देखो रेक्टेंगल तो बन ही रहा है, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बनेगा, जस्ट पॉइंट ऊपर नीचे ही है, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, ठीक है, तो ये लेंथ क्या है 2,
ये भी लेंथ 2 है, ये भी लेंथ 2 है, ये भी लेंथ 2 है, और सारे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, बना थोड़ा सही नहीं है, स्क्वायर आ जाएगा। 30th क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। यस, इन ए डायग्राम सर्कल ओ, सेंटर है ओ, द कोड ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ई, ठीक है, एंगल एओसी जो है ये वाला एओसी, अच्छा एंगल एओसी है, सॉरी हमने बनाया नहीं हुआ, एओसी मीन्स ये वाला एंगल, ये है 87, ठीक है, और बोला है एंगल बीओडी, बीओडी यानी कि ये वाला, ये वाला एंगल वो है 35, ठीक है। इन्होंने पूछा फिर एंगल आप बताओ सीईए, सीईए यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि दिख जाए, ये वाला एंगल सीईए, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल दोनों क्या है, सेम होंगे, ठीक है, तो ये दोनों एंगल का जो सम आता है, ये इन दोनों एंगल का सम आता है, ये जो ओरिजिन पे है, मतलब सर्कल के सेंटर पे बना रहे हैं, 87 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 12, 8 3 11, 12 122, तो 2x जो आ जाएगा वो आएगा 122, और x जो आ जाएगा 61, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। ये हमारे मैथमेटिक्स से कंप्लीट हो गए, और इसमें जो है क्योंकि ये पेपर कॉमन था, मतलब कंप्यूटर साइंस आईटी ईसी का, तो ईसी के क्वेश्चन इसके कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी डाउट हो तो कमेंट कर देना किसी भी क्वेश्चन में, एंड वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच।